हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल मेडिको स्वामी। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपको आपके काम की बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, अपना जो मेन ये समय है इसको आप किसी अच्छी चीज़ में लगाओ। क्योंकि मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि अभी का जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहा है। जो YouTube पर शॉर्ट्स वाला फीचर आया है, दिस इज़ जस्ट रिडिक्यूलस, आई हेट दैट थिंग। और अगर आप भी अपना टाइम इन चीज़ों में वेस्ट कर रहे हो तो एक बार देखते वक्त ज़रूर सोचना कि उस चीज़ से आपको क्या मिल रहा है। एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, ना आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। कॉमेडी तो उन लोगों को करते ही नहीं आती, बस वल्गैरिटी चल रहा है, नथिंग एल्स। तो कोशिश करो कि कम 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 करते करते और फिर उधर से आप हट जाओ। एकदम से बंद नहीं हो पाएगा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपसे आपका कंसंट्रेशन, आपकी ब्रेन पावर, ये सारी चीज़ें छीन रहा है। आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन आप अपना काफ़ी ज़्यादा समय उसमें दे रहे हो। एक बार अपने ऐप्स की हिस्ट्री में जाकर के देखना कि आप यूट्यूब इंस्टाग्राम पर कितना ज़्यादा समय वेस्ट कर रहे हो। इंस्टेड आप कोई अच्छी वीडियोज़ देखना स्टार्ट कर सकते हो, मे बी रिलेटेड टू मेडिटेशन, योगा। आप अपने धर्म रिलेटेड बातें जान सकते हो, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी अमेजिंग चीज़ें हैं जिनको व्यूज नहीं मिल रहे हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली माय चैनल, बट ऐसे और भी चैनल्स हैं जहाँ पर लोगों को व्यूज नहीं मिल रहे, वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी, और ये कुछ नाचने वाले लोग, इनको आप लोग व्यूज़ देते जा रहे हो। जस्ट बिकॉज क्या, क्योंकि आपको ब्रेन को काम नहीं करना होता है उस चीज़ में, बस आपको स्क्रॉल करना है और आप स्क्रॉल करे जा रहे हो। मेरा काम था सिर्फ आपको बताना, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती हूँ किसी भी चीज़ के लिए, बट बींग एन एल्डर सिस्टर और वॉट एवर यू थिंक अबाउट मी, मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा थोड़ा करके टाइम कम कीजिए ताकि आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़े। आजकल के बच्चों में जो प्रॉब्लम आ रही है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, उसका एक सबसे मेजर कॉज ये है। डिस्कसिंग फॉर द पेपर ऑफ फिजियोलॉजी सेकंड, आई होप आज का आपका फिजियोलॉजी पेपर वन बहुत अच्छा गया होगा। जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा सिंपल थे, बहुत ज़्यादा ईजी थे, और जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसमें से ही काफ़ी परसेंट ऑफ क्वेश्चन थे। 2 मार्क में सलाइवरी ग्लैंड, इसमें आपको तीनों ग्लैंड्स के नाम लिखने हैं, कहाँ कहाँ सिचुएटेड होती है और कैसे वर्क करती है। बेरी बेरी या राइकेट्स, विटामिन्स एंड बायोकेमिस्ट्री आता है, विटामिन्स मिनरल्स एंड बायोकेमिस्ट्री, तो आपको थोड़ा सा उस पार्ट को प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि 10 to 15 marks का जो सेशन है वो उधर से आता है। लर्निंग, मेमरी, इंटेलिजेंस, IQ, इन सबकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। पेन की, लर्निंग की, इन सबकी डेफिनेशन आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। ECG लिखते वक्त ECG का जो डायग्राम है कि उसकी नोट्स कहाँ लगेगी वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। FSH LH, सबसे पहले तो आपको इनमें जो लिखना है वो है फुल फॉर्म, उसके बाद कहाँ से रिलीज़ होता है, कहाँ पर जाकर के एक्ट करता है, मेल्स में क्या फंक्शन करवाता है, फीमेल्स में क्या करवाता है। प्रोप्रियोसेप्टर CNS का क्वेश्चन है। मैस्टिकेशन या डिग्लिडेशन, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। मैस्टाल्जिया, क्रिप्टोचिडिज्म जिन बच्चों को नहीं पता है, रिप्रोडक्टिव का क्वेश्चन है। बाइल पिगमेंट, इमल्शन, ओविलेशन, ईस्ट्रोजन या फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, ईस्ट्रोजन का आता ही आता है क्वेश्चन, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। और ओविलेशन में आपको ये लिखना है, द रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल ऑन द 14th day ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कॉमा, If the normal menstrual cycle is of 28 days, आपको ये लास्ट वाली लाइन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप 14 डे लिख रहे हो, क्योंकि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के हाफ ऑफ द पीरियड में ओविलेशन होता है। समझ में आया? जैसे 30 डे की अगर साइकिल है तो 15th डे पर होगा, 40 डे की है तो 28th डे पर होगा, लेकिन जो नॉर्मल हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम कंसिडर करते हैं वो होता है 28 डेज का, उसके अकॉर्डिंग 14 डे पर ओविलेशन होना चाहिए। हम लोग 5 दिन एक्स्ट्रा मान करके चलते हैं कि 32-34 तक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, क्योंकि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, अगर वो कह दे कि सर 1 महीने में आ जाता है 30-32-35 डेज में, तो आप उसको एबनॉर्मल ना कंसीडर कर लो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कई बार ऐसा होता है आपको लोग टेस्ट करते हैं, पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तो वो आपसे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितना और ज़्यादा हम लोग कंसिडर में रखते हैं। प्रेसबायोपियम, ब्रोकास एरिया, ब्रोकास एरिया भूल करके भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि
आने के चांसेस होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आ जाता है, कभी कभी होता है कि नहीं भी आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ना एक ट्रिकी क्वेश्चंस तो रहते ही है। एनाल्जेसिया, शॉन सेल या माइक्रोग्लिया, अगेन सीएनएस का क्वेश्चन है। न्यूरोलिमा, न्यूरोन का स्ट्रक्चर, वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, नाइडेशन, पार्चुरेशन। नाइडेशन एक और नाम से आ सकता है, वो है इम्प्लांटेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि नाइडेशन ही इम्प्लांटेशन है। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जो बेबी होता है वो इम्प्लांट होता है यूट्रस में, जो यूट्रस की एंटीरियर बॉर्डर होती है। आप सिर्फ यूट्रस लिखोगे तो भी चलेगा। और पार्चुरेशन मतलब बेबी का बाहर आना, या डिलीवरी के प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। स्टैटोरिया, बीएमआर, एसेंशियल मिनरल्स। अब बीएमआर और एसेंशियल मिनरल्स और ये बैरी बैरी और रैकेट्स वाले जो क्वेश्चन है, ये 2, 5, 10 कहीं पर भी आ सकते हैं। ये देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन। मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कोविड के बाद में समझ में नहीं आ रहा है कि पेपर कैसे बन रहे हैं। फिर भी मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है मैं वो आपको बता पाऊँ, ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओ और आप पास हो जाओ। एक ही मोटो रहता है मेरा कि आप बहुत अच्छे से पढ़ के पास हो जाओ और होम्योपैथी करो। होम्योपैथी में बहुत बहुत अच्छा फ्यूचर है। विटामिन, मिनरल, इंटरनल कैप्सूल, प्रॉपर्टीज, फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ, किन किन का आपको एकदम से याद रखना है। सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। CSF, गैस्ट्राइटिस, फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, साइनेप्स, न्यूरोट्रांसमीटर, फील्ड ऑफ विजन या विजुअल पाथवे, सिक्रीशन ऑफ HCl, कंपोजिशन ऑफ बाइल, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट। ये सब कुछ अच्छे से करना है क्योंकि बाइल सॉल्ट या बाइल पिगमेंट में से कुछ ना कुछ एक तो आएगा ही आएगा। बेसल गैंग्लिया या इंटरनल कैप्सूल में से कोई एक क्वेश्चन आना तय है। बाइल पिगमेंट का फॉर्मेशन और सर्कुलेशन, फंक्शन ऑफ लीवर, जॉइंटिस, सिरोसिस ऑफ लीवर, वाइट या ग्रे मैटर, ग्राफियन फॉलिकल, ऑक्सीटोसिन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, नाइडेशन, पार्चुरेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। सबका सेंटेरिकस, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका कॉम्पोजिशन, उसका फंक्शन। डॉर्फिज्म, मिक्सोडिमा, क्रिटिनिज्म, जिन बच्चों को नहीं पता है ये एंडोक्राइन के क्वेश्चन हैं। बीएमआर, न्यूरोग्लिया, रिसेप्टर्स, रिफ्लेक्स, आर का रिफ्लेक्स एक्शन 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, 10 में कम चांसेस होता है, 2 या 5 में। प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ नर्व फाइबर, रेटिकुलर फॉर्मेशन। CNS से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो कोशिश करनी है हमें ये कि हम CNS को अच्छे से करें। बहुत ज़्यादा भी ध्यान नहीं देना है कि हम लोग एकदम CNS में ही लगे हैं और बाकी सारी चीज़ें हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है रेटिकुलर फॉर्मेशन, डीजनरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर, प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मसल, ऑडिटरी पाथवे, जितनी भी ट्रैक्ट है उन ट्रैक्ट के आपको नाम याद होने चाहिए। जो चार्ट बना हुआ है वो चार्ट एक बार अच्छे से कर लेना। तो आप पूरी ट्रैक्ट भी अगर नहीं करते हो तो कोई भी आती है तो आप उसको लगभग वैसा का वैसा लिख सकते हो, जिसमें से पिरामिडल ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा आती है। फिजियोलॉजी ऑफ पेन या फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप, मीनोपॉज और इनफर्टिलिटी। कमिंग ऑन टू क्वेश्चंस कवरिंग 10 मार्क्स, थायराइड ग्लैंड, मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेरिबेलम, पिट्यूटरी ग्लैंड, कैवर्नस साइनस, विजुअल प्रोसेस, एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, कुछ भी आ सकता है। विजुअल प्रोसेस में आपको पूरा का पूरा ये वाला डायग्राम जो है वो बना करके आना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में या तो कोई एक फेज आ जाएगा आपको 2, 5 या 10 मार्क में, या तो पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों के हॉर्मोन्स लिखने हैं और दोनों के हॉर्मोन्स को एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आप पहले 2 और 5 मार्क के कर चुके होंगे, तो जितना ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो उतना ज़्यादा एक्सटेंड करना, लेकिन पूरा लिख करके आना। अगर कोई भी ग्लैंड या हार्मोन आता है तो उसको पूरा पूरा लिख करके आना, तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। और डायग्राम अगर बना सको तो बनाना। अगेन एक और टिप कि क्या बोल रही थी मैं, ओके सॉरी, जो पेपर 1 हुआ है उसको एक बार रिवाइज करके जाना कि पेपर 1 के क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं। एक बार आज की रात में आप लोगों को जो पेपर 1 के चैप्टर्स थे वो रिवाइज करके रखना है, क्योंकि आपने अभी आज ही पेपर दिया है तो ज़्यादा कुछ नहीं भूले होंगे।
तो वो वाली चीज़ें सारी आज रिवाइज करना है, आज का पेपर आज ही वापस सॉल्व करना है क्योंकि क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिजियोलॉजी पेपर 2 एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि जितने क्वेश्चंस इस पेपर में आए उससे कहीं ज़्यादा पेपर सेकेंड में आए और आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।